इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र हैं भरत भैया। हो तन जन्म न भरत को, मुनियों के मन को भी अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसा दिव्य अष्टांग योग का साधन करत को, दुख दाह दार्य दम्ब दूषण सुज समिस अपहरत। भरत जी के माथे इस बात का कलंक आज भी है कि भरत जी के नाम का प्रस्ताव आया तो राम जी बन चले गए। भरत जी ने बार बार इसका स्मरण किया है। भय मोहि कारण सकल उपाधि, मेरे कारण ऐसा हुआ, यदि मैं ऐसा न होता तो ऐसा न होता। लेकिन स्मरण रखिएगा, यदि आपके जीवन में रामत्व चाहिए तो एक भैया भरत जैसा भाई भी अनिवार्य है, जो आपके मन के साथ चले। आप कहेंगे महाराज कहाँ मिलेंगे, ये मिलते नहीं है, ये मिलते नहीं है, ये होते हैं। भरत जी सोचते नहीं। एक पंक्ति है जब कोल भी लाके बताते हैं, एक आयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग नठोरी, सो सुन राम ही भायति सो इत पितु बच इत बंधु समाधान तब भाय जाने। क्या भरत कहे मऊ साधु समाधान इस बात से हुआ, भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, भरत जी साधु हैं और समझदार हैं। आप जरा विचार करिए, हमारे जीवन में कोई ऐसा है जो मेरे कहने में रहता है? यदि है तो आपका रामत्व सुरक्षित है, नहीं तो हो अपने सोचत हैं लोग, अपने डगरत हैं। हो कोई ऐसा भी सोचता है कि उन देखिए हर आदमी यही सोचता है कि मेरे मन का क्या होगा, कोई ये नहीं सोचता है कि उनके भी मन की थोड़ी ध्यान रख लें, उनके मन का क्या होगा। हम यदि कोई हमारे मन का ध्यान रखे तो हम भाग्यशाली हैं। कठिन है, हो बहुत कठिन है, हर आदमी अपने मन के लिए परेशान है। अरे आपको कभी हमारा ख्याल नहीं आता, उससे पूछिए अपने बारे में आपका क्या ख्याल है। हर आदमी केवल अधिकार चाहता है, कर्तव्य नहीं सोचता है। जब हम कर्तव्य सोचते हैं तो अधिकार की प्राप्ति स्वतः स्फूर्त हो जाती है। हमारे पास कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। हम मननुगामी हो, राम जी चक्रवर्ती जी के प्रेमानुगामी है, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, और भरत जी रामानुगामी है। राम जी जैसा सोचते हैं, भरत कहे महू साधु सयाने, प्रभु ने कहा है लक्ष्मण जी से, सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच बहु सुना। वहां दिखा है मूर्धन्य श्री भरत जी यूं ही नहीं राम प्रेमी हैं, ये रामानुज हैं, ऐसे नहीं। कई बार ये बात स्मरण आई, लक्ष्मण जी का अपना वैशिष्ट्य है,
लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी वो करते हैं जो राम जी के लिए उनको उचित जान पड़ता है। भरत जी वो करते हैं जो भगवान के लिए भगवान को जान पड़ता है। जमीन आसमान का अंतर चिंतन द्वारा लक्ष्मण जी निर्णय ले लेते हैं कि यही उचित है राम जी के लिए। भरत जी निर्णय भगवान पर छोड़ देते हैं, जो भगवान निर्णय लेंगे हमको वैसा ही रहना। बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है, बड़ा कठिन है। नरसोई जी इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है जितना हम सुना दे रहे हैं, इतना सरल नहीं है। और मेरी आपसे प्रार्थना है, चाहत से बाहर रहो, थोड़ा जीने का अभ्यास करो। जो जीता है वही जाता है। हम केवल अपेक्षा करते, उनको वैसा करना चाहिए, इनको वैसा, आपको आपको कुछ नहीं करना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, आप तो बस सुनाया था आपको ना, मस्ती में जो हमारी परवाह नहीं करते, उनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते, में जो हमारी परवाह नहीं करते, हम उनकी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते। हक उनको ये हासिल है, हुकूमत करें हम पर, हक उनको ये हासिल है, हुकूमत करें हम पर, हम अपने गुलामी का की खुशी के लिए क्या क्या नहीं कर। आपसे नहीं कहता हूं, हर कथा में कहता हूं, किसी को तुम्हारे मन की परवाह है अभी सोचना भी नहीं। आनंद में रहो, मस्त राम, मस्ती में चाहे आग लगे, मस्ती है भक्त की दुनिया ऐसी है। बहुत देखा, जितना सोचते रहोगे आप, कहीं ऐसा ना हो कि इन्वर्टेड कामा, लिखते जाओ लिखते जाओ, कम पड़ेगा। हमारे ऊपर एक बड़ा सुंदर आरोप है, 2 बजे से कथा जो कराते हैं उनकी कथे बिगड़ जाती है, क्योंकि 2 बजे मेरे सोने का समय। अपने गांव की कथा का समय बहुत बढ़िया है, 5 बजे आइए और जाके घर में खाइए, इसलिए अगली बार यहीं खाइए, कहीं जाइए नहीं, खाइए पीजिए जाइए, केवल आनंद करिए, ताली बजाइए। हाँ, आनंद होगा, कोई टेंशन नहीं, अटेंशन में रहिए। आपके मन की किसी को नहीं पड़ी है, अपने मन की अपने संहार कर लो। कर्तव्य से चूकना नहीं, कर्तव्य करते रहना है, परंतु ये कभी सोचना नहीं कि किसी को तुम्हारे मन की भी चिंता है, कदापि नहीं होती। ये हमारे साथी लोग हमारे साथ चलते हैं, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, ये भी नहीं सोचते हैं कि मेरे मन की क्या होनी है, अपने मन की बजाए रहते हैं। आपको तो पता नहीं चलता, हमको पता चलता है, इसका जो मन करता वही बजाए रहता है, हम भी जो मन करता वही गाए रहते हैं, इनको मेरी परवाह नहीं, तो मेरी खट्टू तो बजाओ अपना गाओ जो करना। मेरी आपसे प्रार्थना है निष्ठापूर्वक,
अपने मन को स्वयं साधु बना लो, अपने मन को भगत बना लो, अपने मन में राज रखो, हो गया। सोचोगे कि मन की किसने, अरे कोई नहीं। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, उद्धव मन न भये दस बीस, एक रहयो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। उद्धव मन न भये दस बीस। आप जी लो, ये जीवन है, ये कथा जीवन है। मेरे परमात्मा विदा करके यह चिंतन करते हैं कि भैया हमारा स्मरण करके कैसे रहेंगे, शीघ्र ही लौट करके आएंगे। क्यों? भगवान ने कर्तव्य दे के भेजा, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुन सी राम पद प्रे अवश्य हो भैया। भरत का चरित्र प्रेम का चरित्र है, रामाज्ञा का चरित्र है, रामानुराग का चरित्र है, त्याग का चरित्र है, अरे अपरिग्रहता का चरित्र है, समर्पण का चरित्र है। ये पांच जिनमें आ गई राम कृपा, उसको स्वतः भा गई, अपने आप बरसेगी। ये कुछ सुनो देखो तो क्या है मेरे में, स्नेह है, श्रद्धा है, समर्पण है, अनुराग है, त्याग है, कुछ तो आवे, आएगी तो मिलेगा। एक तत्व जीवन में उतरना चाहिए। भगवान सोचे अयोध्या वासी आ गए थे, आते जाते बने रहेंगे, भजन में विघ्न होगा, तो परमात्मा हमारे आगे बढ़े। और आगे की पंक्ति बड़ी अद्भुत है, नाम है अरण्य कांड। अरण्य माने वन, पूरी कथा इस कांड की वन में है, इसलिए बाबा ने नाम रखा अरण्य कांड। मेरे सरकार भोले बाबा माँ से कहते हैं उमा राम गुन गो पंडित मुनि पावही विरति पावही मोह विमोह जे हरि विमोह न धर्म। हे भवानी जी, हे भगवती, राम जी का गुण गुड़ है कौन सा? ये जो अरण्य कांड में होने वाला है, पंडित मुनीश्वरों को, पंडित माने विज्ञ जनों को बोध प्राप्त होगा, विमूढ़ आत्मा मोहित हो जाएंगे। ऐसी कौन सी गाथा है, सुनिए। पुर नर भरत प्रीत मैं गाई मति अनुरूप अब सो चरित सुनो करत जो बन सुर नर मुनि। अब वह कथा सुनिए जो परमात्मा चित्रकूट में दिव्यता पूर्वक करना चाहते हैं, जो करना नहीं चाहिए था सरकार वो कर रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।